प्लानिंग क्या है, क्यों जरूरी है। अब हेडिंग दे दीजिए, प्लानिंग क्यों जरूरी है। किसी लक्ष्य को सुचारू रूप से प्राप्त करने के लिए योजना अति आवश्यक है, योजना अति आवश्यक है। इनके साथ ही हमारी योजना अच्छी नहीं रहेगी तो हमारा विकास उस स्थिति को नहीं प्राप्त कर सकता है। प्रकार आदेशात्मक, निर्देशात्मक, केंद्रीकृत, विकेंद्रीकृत, केंद्रीकृत, विकेंद्रीकृत। उसके बाद वित्तीय योजना, मतलब वित्तीय नियोजन। उसके बाद वित्तीय नियोजन के बाद भौतिक नियोजन, भौतिक नियोजन। उसके बाद दृश्य या परिदृश्यात्मक, परिदृश्यात्मक सब है, प्रकार है, 1, 2, 3, 4, 5। इसको हम लोग बोलते हैं इंपरेटिव प्लानिंग, इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन प्लानिंग, उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रलाइज, डिसेंट्रलाइज, फाइनेंशियल, है ना, फिजिकली, एंड इसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग टर्म। यदि आपसे प्रकार में हम पूछे तो यदि आपसे पूछे कि आदेशात्मक प्लानिंग किसको कहेंगे, जिसमें सरकार की भूमिका हो, सरकार की भूमिका हो, एक लाइन में तुमको समझ में आ गया है ना, जिसमें सरकार ज्यादा से ज्यादा रोल निभाएगा। सबको लिखाएंगे, पहले समझ लो ये निर्देशात्मक क्या है। इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन। अब इसमें हमारा प्राइवेट भी शामिल होगा और डायरेक्शन कौन देगा, गवर्नमेंट देगा। बात समझ में आया ना। ये केंद्रीकृत मतलब क्या हो गया कि ये एक योजना, मान लो ये सेंट्रल है, सेंट्रल से कहां आया, स्टेट आया, स्टेट से कहां आया, कमिश्नरी, कमिश्नरी के बाद डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के बाद जो है विलेज तक पहुंचा। यहां से जो यहां तक नीतियां चली उसको हम लोग बोलते हैं केंद्रीकृत, है ना, मतलब जितना भी रुपया था यहां से हमारा ट्रांसफर होगा। क्लियर है, दिमाग में सेट हो गया। जबकि हम लोग विकेंद्रीकृत किसको कहेंगे, जब रुपया यहां से हमारा यहां जाएगा तब इसको हम लोग विकेंद्रीकृत कहेंगे। अब मान लो कि जितना भी हमारे पास रुपया आएगा तो पहले डायरेक्ट हम गांव में ही भेज देंगे, डायरेक्ट ही कहां भेज देंगे, हम गांव में भेज देंगे और गांव में ही डायरेक्ट विकास करो। बात समझ में आया। तो अभी हमारे यहां कौन सा प्लानिंग लाया गया है, विकेंद्रीकृत। पहले कैसा था, केंद्रीकृत, अब कैसा ले आया, विकेंद्रीकृत। अब देखता होगा कि विलेज में यदि पंचायत में तो सीधे फंडिंग आता है, ठीक है ना, सीधे वहां आया। लेकिन यहां जाओगे तो यहां का सिस्टम कुछ और है, यहाँ का सिस्टम कुछ और है। अभी पंचायत सीरीज तुम लोग देखा ना, है ना, देखो मतलब गांव में जो है मुखिया है, मुखिया है, ठीक है, मुखिया को देखने के लिए एक सरकारी जो है आदमी रखा और उसका नाम क्या है, सचिव, और इन दोनों के ऊपर एक पदाधिकारी है। अब इसका पहले था वीडियो के अधीन, किसके अधीन था, अब किसके अधीन हो गया, बीपीआरओ के अधीन, है ना। बात समझ में आया, ब्लॉक, प्रखंड, रूलर ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे करके बीपीआरओ। बात समझ में आया, तो पहले बीडीओ होते थे, अब किसके अधीन दे दिए, बीपीआरओ के अधीन। इसके ऊपर तो और है ही, इसके ऊपर पदाधिकारी का चर्चा हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, मुखिया, सचिव, बीपीआरओ। फंडिंग कहां से आया, सेंट्रल गवर्नमेंट से, वहीं से आप पैसा कटेगा। अब ये सचिव क्या करेगा, मान लो थोड़ा देर के लिए एक लिस्ट बनाएगा, ये रोड है, क्या है, रोड, ये रोड में जो है ना इंजीनियर साहब जो है लिस्ट बना के देगा
कि इसमें ना ईंट पे खर्च इतना, सीमेंट पे खर्च इतना, ठीक है, बालू पे खर्च इतना और गिट्टी पे खर्च इतना, आगे आगे लेबर पे खर्च इतना, ठीक है ना, कोई दिक्कत। अब बोला कि ये पहले क्या करता था, मुखिया चेक काट करके दे देता था, पहले मुखिया चेक काट करके दे देता था, ठीक है। अब मुखिया का भी पावर सीज, ठीक है ना, अब सचिव का भी पावर सीज, इसका भी पावर सीज, अभी सबका पावर सीज हो गया, ठीक है ना। बोला कि एक रोड बनाने में क्या क्या लगेगा, ये सामान लगेगा, ऐसा करो कि ईंट वाले वेंडर बन गया मान लो रिया, ठीक है, वो बन गई है ना सीमेंट वाली, ये बन गए बालू वाले, मतलब अब छह आदमी के पास तुम लिस्ट बना करके दिया रोड में, ईटा का पैसा किसके पास जाएगा, ईटा वाले के पास, बालू वाला का पैसा बालू वाले के पास, तुम लिस्ट बना के दो रोड का कितना खर्चा हो रहा है, हम पैसा भेज रहे हैं लेकिन तुम लोग को हम पैसा नहीं देंगे, बात समझ में आया, बहुत अच्छा पॉलिसी अपनाया, लेकिन यहाँ तो बंटाधार होता है, यहाँ पर भी बंटाधार होता है, ठीक है ना। अब देखो ये रोड बनाया नहीं, ठीक है ना, रोड सबसे पहला काम तो ये इंजीनियर साहब ही लिस्ट जो बनाए है ना, सरकारी रेट अलग होता है, सरकारी रेट अलग होता है, अब लगेगा ईटा 6000, तो एस्टिमेट दिया है 8000 ईटा का, कितना का 8000 ईटा का, कोई दिक्कत है। उसके बाद बालू लगेगा इतना, तो लिस्ट बना करके इतना, ऐसे करके उसके बाद मुखिया 20%, सचिव 20%, छोड़ दो आगे हमको नहीं खोलवाओ, पैसा बट जाता है, ठीक है ना। उसके बाद रोड नहीं बनता है, इस सामान इससे नहीं लेगा लेकिन पैसा इसके अकाउंट में आएगा, है ना, सामान नहीं लेगा पैसा आकर के ले लेगा, और यदि हमसे पैसा ले लिया तो हम भी 2%, नहीं समझे मेरे बात, तुम हमसे सामान तो लिए नहीं, ठीक है, तुम पैसा लिए ले लो। अभी अब बोला कि सरकार की अब हम डायरेक्ट इसी को पकड़ेंगे, इसी आदमी को, तुम ईटा दिया था, ईटा दिखाओ हमको कहां, समझ में आया, इसी का हम भुक्त भोगी हैं बाबू, ठीक है, इसी का भुक्त भोगी, इनकम नहीं है ना, और उल्टे हमसे उधारे ले लिया, ठीक है, पैसा भी आकर के ले लेता था हमको, इसका इसका पैसा जो है, इस पंचायत का पैसा आ गया 60,000, किसके लिए, ईटा के लिए, पैसा भी ले लिया, ठीक है ना, अब फिर 10 दिन बाद आता था, ईटा भी दे दीजिए, है ना, पैसा दीजिए, तो लगता था अच्छा दूसरा तो पैसा आ ही जाएगा ना, एक गो तो योजना नहीं ना है, और भी ना होगा, ठीक है, मालूम चला एकदम। तो आप समझ लो कि जहां पर भी सिस्टम तो बनाया जाता है लेकिन उस सिस्टम में भी कहीं ना कहीं ये व्यवस्था दोष, जेई साहब अलग लेंगे, आज जिस दिन पैसा ट्रांसफर होगा उसका जो है ना अलग 2% लेगा, ठीक है ना, खाते खाते जो है ना लास्ट में जो भी प्लान योजना है वो मात्र 40% तक का सिर्फ योजना रहता है, रातों रात तो जैसे देखा कि अब विजिट होने वाला है, रातों रात एकदम ढलाइया हो जाता है रोड, ठीक है, आ 4 दिन बाद जो है रोड किधर है पते नहीं चल रहा है ना, आ लिखा हुआ है यहाँ लागत 6,41,400 रुपया का ये रोड है, आ ये रोड बना कितना में है, तो मुश्किल से 1.5 से 2 लाख, ठीक है, तो तुम लोग भी वही करना, यही सब बनना, ठीक है ना, पंचायत अभी देखा ना, ठीक है, अब पंचायत में सबसे अच्छा हमको लग रहा है वो जो बूढ़ी जो है, बुढ़िया जो है अपना घर बनवाने के लिए, बाबू हमको घर दे दीजिएगा ना, तो वो घर के लिए जो है बेटा और माँ में लड़ाई लग जाता है, दिखा देंगे, ठीक है ना, मतलब वो एक्टिंग इतना अच्छा है कि मतलब वो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनवाने के लिए वो बूढ़ी जो है एक घर मिला हुआ है, ये मान लो कि उसका जो है बेटा है, इसको घर मिला हुआ है, इसकी माँ जो है नकल उतारती है, जाके सचिव को बोलते, सचिव बोलता है अच्छा ठीक है बना देंगे, लेकिन तुमको तो घर मिला हुआ है, फिर बोलता है कि और वो कहे
तो रोड के सामने उसी के घर के आगे जो है ना प्रधान जी जो है मतलब मुखिया जी जो है वो गिर गए थे। वो बोले हम हल्ला मचा देंगे जिसके कारण तुम हमको जो है ये घर बनाने दो। तो सचिव को समझाया तो बोला कि देखो ऐसा तो नहीं है लेकिन दोनों आपस में दिखाओ तो घर से माँ को निकाल देगी। एक्टिंग तो जबरदस्त थी, ऐसा एक्टिंग तो हमको नहीं लगता है कि कोई कर रहा है। अब बात बात में घुमा फिरा करके घर दे दीजिएगा ना बेटा, है ना, घर दे दीजिएगा ना, ठीक है ना, वही कलह बन जाता है आगे, ठीक है। तो ये चीज है, कोई दिक्कत है? तो निर्देशात्मक क्लियर, विकेंद्रीकृत क्लियर। चलो वित्तीय, जिसमें अब हम लोग ऐसा योजना जिसमें हम फाइनेंशियली 10 लाख 25 लाख स्पेशल हम खर्चा कर रहे हैं कि हमको ये चीज का लक्ष्य प्राप्त करना है। तो रुपया पर ही आया कि 50 लाख इन्वेस्ट किए और ये हमारा लक्ष्य प्राप्त हो गया, ठीक है ना। फिजिकल रूप से भी सेम सिस्टम है, दृश्य और परिदृश्य में क्या होता है कि ये लॉन्ग टर्म में हम लोग बनाएंगे। जैसे 2047 तक हमको क्या करना है, विकसित करना है, जनसंख्या कंट्रोल करना है, तो ये सभी हमारा लॉन्ग टर्म के लिए हो गया, उसको हम लोग दृश्य या परिदृश्यात्मक कहते हैं। क्लियर है ना? तो प्रकार भी आपको क्लियर है, आदेशात्मक जहां सरकार की भूमिका होगी, निर्देशात्मक जहां प्राइवेट की भूमिका होगी, और निर्देश कौन देंगे, सरकार देंगे। केंद्रीकृत जो सेंट्रल से लेकर के गांव तक योजना जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, केंद्रीकृत। जो हमारे डायरेक्ट गांव तक पहुंच गया उसको हम लोग क्या कहते हैं, विकेंद्रीकृत। कोई दिक्कत है? जहां हमारा रुपये का जरूरत होगा भौतिक मतलब वित्तीय, और भौतिक में हम फिजिकली रूप से स्पेशल किसी का, जैसे हम लोग स्मार्ट योजना लेकर के आए, है ना, स्मार्ट सिटी लेकर के आए, तो ये हमारा भौतिक हो गया कि इसको हमको डेवलप करना, क्लियर है। उसी के बाद ये हमारा दृश्य या परिदृश्यात्मक क्या हो गया, शॉर्ट टर्म 1 साल 5 साल 25 साल 50 साल के लिए योजना बनाएंगे, क्लियर है, कोई दिक्कत है? एक एक करके लिख लीजिए बाबू, इंग्लिश भी लिख लीजिएगा, वहां पे इंग्लिश टर्म भी दे देता है, ठीक है, ऐसे लिखेगा इंपरेटिव, ऐसे, बात समझ में आया ना। तो तुम इंग्लिश में लिखना और वहां इंग्लिश को क्या करता है वो मतलब रोमन में लिख देता है, देवनागरी में लिख देता है, ठीक है। अब तुम कहेगी कि हम लोग पढ़े क्या चीज, आदेशात्मक, और वहां दे दिया है कि इंपरेटिव प्लानिंग, इंपरेटिव योजना, तब तू कहेगी ये तो हम पढ़े ही नहीं, समझ में आया ना। तो वहां इंग्लिश भी लिख लीजिएगा, तो डायरेक्शन द्वारा योजना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, निर्देशात्मक, निर्देशात्मक शुद्ध हिंदी हुआ, वो तो क्लियर है। सेंट्रलाइज या डिसेंट्रलाइज, है ना, केंद्रीकृत विकेंद्रीकृत। एक और लिख लीजिए, प्रोत्साहनात्मक योजना। प्रोत्साहनात्मक योजना मतलब नाम से ही क्या है बाबू, यदि मान लो कि तुम 70वीं बीपीएससी पास कर गए तो प्रोत्साहन के रूप में हम तुमको जो है एक बाइक देंगे, ठीक है, मतलब तुम तो मेहनत करो ही करो, उसके अलावा हमारे तरफ से एक बाइक के लिए भी जो है इंतजार करना, है ना, लड़की रहेगी तो उसको कारें दे देंगे और भले पैसा तुम ही से ले लेंगे, ठीक है। प्रोत्साहनात्मक सरकार द्वारा किसी भी काम को सही समय पर पूरा करने और सही तरीके से पूरा करता है तो उसे प्रोत्साहनात्मक नियोजन कहा जाता है। फिर केंद्रीकृत विकेंद्रीकृत, जब केंद्र द्वारा जब कोई राशि देश के विकास के लिए भेजा जाता है तो वह केंद्र राज्य होते हुए, केंद्र राज्य होते हुए, ये केंद्र राज्य होते हुए गांव तक पहुंचता है तो इसे केंद्रीकृत योजना कहते हैं, जबकि विकेंद्रीकृत में प्रक्रिया अलग है, इसमें कोई भी राशि उस व्यवस्था से ना होकर सीधे ग्राम तक पहुंचाया जाता है उसे विकेंद्रीकृत योजना कहते हैं। चलो नेक्स्ट, वित्तीय योजना, इसमें योजना के कार्यक्रमों की वित्तीय आवश्यकताओं को आका जाता है एवं प्रबंधन किया जाता है। इस नियोजन में मुद्रा के रूप में संसाधन निश्चित किए जाते हैं। नेक्स्ट, भौतिक नियोजन,
योजना के कार्यक्रमों की भौतिक साधनों संबंधी आवश्यकता एवं उपलब्धि के अध्ययन, निश्चयों की भौतिक नियोजन, जो को भौतिक नियोजन कहा जाता है।